वैसे भाइयों Realme 9 Speed Edition में Realme UI 4.0 साथ में Android 13 का स्टेबल वर्जन आ चुका है। तो यहां से सीधे चलते हैं अपन सेटिंग पर, देन नेक्स्ट अबाउट डिवाइस, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट। यहां पर देखिए Realme UI 4.0 प्लस Android 13 का ऑफिशियल वर्जन आ चुका है, तो इस अपडेट को आप सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाके अपडेट कर सकते हो। वैसे इस अपडेट का साइज मेरे पास 1 GB का है, लेकिन अगर आपने ट्रायल वर्जन को अपडेट नहीं किया था तो इस अपडेट का साइज आपको समथिंग 5.5 GB के अराउंड ही आएगा। तो यहाँ से सीधे चलते हैं BGMI की ओर और देखते हैं डिवाइस की ग्राफिक, क्या ग्राफिक पर कुछ चेंज? बिल्कुल नहीं, स्मूथ में एक्सट्रीम से लेकर HDR प्लस अल्ट्रा तक, उसके आगे अल्ट्रा HD औकात से बाहर। तो यहाँ से डिवाइस की ग्राफिक को स्मूथ में एक्सट्रीम करके कलरफुल 2x करके सेव करते हैं और सीधे चलते हैं BGMI की ओर, जहां पर आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस पता चलेगी आफ्टर अपडेट। एंड साथ में अपन गेम स्पेस का सिस्टम स्टेटस यूज करेंगे यहां पर, जो कि आपको FPS के साथ CPU और GPU की परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। वैसे भाइयों तुम्हारा भाई करने वाला है 20K के YouTube फैमिली कंप्लीट होने पर 3 स्मार्टफोन का गिव अवे, जो कि आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करना कंपलसरी है, और साथ ही साथ Scam47 Gaming के Instagram अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। वैसे भाइयों Realme 9 Speed Edition को लेकर मैं सीधे उतर के छोटू टेम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन डिवाइस के प्रोसेसर की। वैसे इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट मिलता है और इस चिपसेट के साथ इस डिवाइस का अंतुतु बेंचमार्क समथिंग 550 के सुपर आता है। सामने की ओर पर पूरा एक स्क्वाड, एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा भी नॉक, यहाँ पर 3 बंदे फिनिश, मींस ये वाली स्क्वाड का मात्र एक बंदा बचा हुआ है जो कि मेरे हिसाब से सामने है। यहाँ से आगे देखिए गजब सीन, एक DP बाज, ये भंसा नॉक और ये भंसाब सीधे फिनिश। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस डिवाइस पर मैं Realme UI 4.0 के साथ Android 13, जी हाँ, इस अपडेट के बाद गेम प्ले कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर एक निहत्ता बंदा था, ये भंसाब सीधे नॉक फिनिश। यहाँ से आगे की ओर मेरे दो भाई रिवाइव बाजी कर रहे थे, ये दो बोट यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको, ये दोनों बोट नॉक। यहाँ से आगे चलते हैं, जी हाँ, रिवाइव बाजी करने के बाद सीधे चिंकी के रिकॉल टावर की ओर। वैसे देखिए गजब सीन, यहाँ पर बंदे हैं, जी हाँ, स्पेशल कैंपर्स, ये कैंपर लोग डैमेज तक नहीं हुए, समझ में नहीं, कंट्रोल। यहाँ से आगे देखिए खतरनाक फाइट, वैसे मेरे पास ग्रोजा है, ये बंदे पुश करने आने लगे और यहाँ पर हमारे एक भाई नॉक, सामने वाले एक बंदा नॉक, जी हाँ, वैसे इन बंदों के पास भी ग्रोजा है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी समस्या है नहीं, सामने वाली स्क्वाड के दो बंदे नॉक है, एक और बंदा बचा है बस, और यहाँ पर गन रिलोड, तुरंत स्विच करके स्प्रे मारता हूँ, ये भाई सब नॉक सीधे फिनिश। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए डिवाइस पर गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैंने सुना हूँ Realme 9 Speed Edition पर चार्जिंग इश्यू आ रहा है, बात तो सही है। तो ये जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि डिवाइस को आप Realme UI 4.0 साथ में Android 13 के अपडेट पर अपडेट कर लीजिए, या फिर सेकंड सॉल्यूशन, आप इस डिवाइस को रिसेट कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम की ये दो सॉल्यूशन है। वैसे वेयरहाउस पर एक बंदा था, इस बंदे को नॉक फिनिश करने के बाद सीधे आ गया मैं पूछिंग की ये बड़ी वाली रिच, यहाँ पर बंदे हैं, एक भाई साहब दिखे, ये नॉक, एक और बंदा है, जी स्प्रे बाज, ये भाई साहब सीधे फिनिश। वैसे ये बंदे किसी को स्प्रे मार रहे थे, जी हाँ। यहाँ से नीचे की ओर पर चलते हैं, जी हाँ, मेरे हिसाब से नीचे बंदे हो सकते हैं, एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर गजब सीन, ये बंदा पीछे वाले घर पर है, इसकी मुंडी दिख रही थी। इस बंदे को स्प्रे मारने के बाद सीधे चलते हैं आगे, जी हाँ, इस घर के पास पहुँच के बंदे के ऊपर चिमनी चुमनी फेंक रहा था मैं, ये बंदा कूदा, जी हाँ, पीछे की ओर पर, और ये बंदा सीधे फिनिश। इस बंदे को फिनिश करने के बाद गाड़ी उठाकर सीधे जाता हूँ आगे, क्योंकि जोन आ गया था वहाँ पर। वैसे मेरे राइट हैंड साइड पर स्मोक, जी हाँ, बंदे हो सकते हैं वहाँ पर, एक बंदा दिखा, ये नॉक, एक और बंदा है, ये तो जहरीला सांप है, ये बंदा नॉक, एक और बंदा था जो कि भागा, लेकिन उस जहरीले सांप ने हमारे दो भाई को जहर का डब्बा दे दिया था। तो यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ रिवाइव बाजी करने के बाद जो बंदा भागा था उसका पीछा कर रहा था मैं, ये बंदा सीधे फिनिश। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसको फिनिश करने के बाद इस मैच पर मात्र एक बंदा बचा हुआ है जो कि सांप है, जी हाँ, जहरीला सांप,
ये साफ सीधे फिनिश। वैसे Realme 9 स्पीड एडिशन को Realme UI 4.0 के साथ Android 13 में अपडेट करने के बाद इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर में गेम हाइपर बूस्ट 4.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आपको एक स्टेबल फ्रेम रेट मिलेगा। तो भैयो, ये था Realme 9 स्पीड एडिशन में आफ्टर अपडेट Realme UI 4.0 के साथ Android 13 पर BGMI गेम प्ले टेस्ट, और ये एक स्टेबल वर्जन है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।